जय हिंद, नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोग के अपने YouTube चैनल ड्रीम टू जॉब पे। तो साथियों, यहां पर जो BSF HCM का जो नई भर्ती था, जो कि 1526 पदों के लिए आया था HCM और ASI के लिए, उसका जो फॉर्म स्टेटस जारी किया गया है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि एक्सेप्ट हुआ है, इसमें आपको यही पता चलेगा। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट ही हो गया है या तो फिर एक्सेप्ट ही हुआ है, तो कैसे हुआ है? ठीक है, अगर रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, तो आज के इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना फॉर्म स्टेटस को चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, यहां पर लाख प्लस बच्चों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है और छोटे छोटे गलती के कारण भी हुआ है। ठीक है, आपका भी नाम, इसलिए मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको चेक करना है। आप हो सकता है सोच रहे होंगे कि जो है आपको शायद मैसेज भी पता नहीं चला होगा और मैसेज आया होगा आपके मोबाइल नंबर पर, लेकिन आपको लगता होगा कि जो पेमेंट कर ही दिए थे तो एक्सेप्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, चेक करने के लिए फॉर्म स्टेटस सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डाल दिया हूं। ओके, कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है थर्ड पार्टी वेबसाइट पे। उसके बाद दोस्तों, ये कैंडिडेट लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सबसे कोने में आपको दिखेगा कैंडिडेट लॉगिन पर। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। और लॉगिन में दोस्तों आप लोग अपना यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर अपना पासपोर्ट और उसके बाद आई एम नोट रोबोट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये सारा चीज आपको ईमेल आईडी पर ही मिल जाएगा। जैसे ही BSF सर्च मारेंगे तो वहां पर आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा और ईमेल आईडी, तो फिर ईमेल आईडी ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज फिलअप करके दोस्तों लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। ओके, जैसे दोस्तों आप लॉगिन पर आप क्लिक करते तो आपके जो मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा जो आपका रजिस्टर्ड होगा, जो आपने फॉर्म में फिलअप किया था। ठीक है, देखिए इस तरीके से दोस्तों आपका जो है एक OTP जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर लिखेगा चेक योर ईमेल और फोन फॉर OTP। जैसे ही OTP आएगा दोस्तों, यहाँ पर डाल करके फिर से इस पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों सबमिट पर क्लिक करते हैं ना, तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, फिर से आपका इस तरीके से आपका पॉपअप खुलेगा, आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसको क्या करना है, यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, क्लोज जैसे दोस्तों आप करेंगे, या तो फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद आपका यहाँ से प्रोफाइल दोस्तों दिखने वाला है पूरा। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, प्रोफाइल अपडेट, यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री में जैसे कि ASI और HCM के लिए था ये वैकेंसी, तो मैंने दोनों के लिए फिल किया था, तो दोनों के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपने BSF का जितना भी फॉर्म फिल किया है वो आपको दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरा जो फर्स्ट में दिख रहा है, ठीक है, 16/6/2024 का जो भरा गया था असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI HCM वाला। अब इसी के बगल में दोस्तों एक एक्शन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो जो आपका HCM वाला वैकेंसी होगा उसी के बगल में एक एक्शन का ऑप्शन दिखेगा। एक्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका दो ऑप्शन खुलेगा। एक तो आपका दोस्तों खुलेगा क्या चीज का, तो व्यू पोस्ट डिटेल और प्रिंट पोस्ट डिटेल। ठीक है, इसको मैं जूम करता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर खुलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, व्यू पोस्ट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं ना, तो उसके बाद देखिए मैंने बोला ना कि दोनों में एक आपको एक्शन दिखेगा, तो एक्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला पॉपअप खुल करके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद दोस्तों जैसे उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो है पूरा खुल जाएगा आपका डाटा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन नंबर आपका, आपका जो देखिए फॉर्म की स्थिति, देखिए आपका जो आवेदन की स्थिति है, मेरा देखिए सबमिट हो चुका है, तो इस तरीके से ही आपको यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ रहेगा। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है तब यहाँ पर लिखेगा आपका सबमिट। यहाँ पर मैं थोड़ा और इसको जूम करता हूँ ताकि दोस्तों आपको अच्छे से पता चले। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सबमिट हो चुका है और मेरा जो फी है, जो मैंने पेमेंट किया था, वो भी दोस्तों यहाँ पर मेरा पेड हो चुका है। ठीक है, ये भी आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो अगर आपका फी पेड है और फॉर्म सबमिट है तब आपको बिल्कुल कुछ भी घबराने का जरूरत नहीं है कि मेरा अब आगे जा करके फॉर्म रिजेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जिनका भी सबमिट हो चुका है, पेड हो चुका है फी, तो उसके बाद उनका फाइनल सबमिट हो चुका है, अब उनको फिजिकल का तैयारी आराम से जा करके करना। दोस्तों फिजिकल देखिए आपका अगस्त में नहीं होने वाला। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर ये दोस्तों आपका सितंबर आर में शायद जाएगा, अक्टूबर आर में। ठीक है, यह बात आप सभी लोग समझ लीजिए। ओके, इसमें दोस्तों अभी और भी आपका पूरा डिटेल्स दिखेगा, जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है, तो नाम है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिखेगा, आधार नंबर दिखेगा, और भी इसमें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ
पूरा मतलब आपका जो है ना यहाँ पे डाटा ही लोड हो जाएगा, फॉर्म ही आपका, ठीक है। देखिए ये इसमें आपको अच्छे तरीके से दिखेगा, ठीक है। देखिए जैसे आप अपना व्यू प्रिंट पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड, एप्लीकेशन सबमिटेड, और यहाँ पर जो है भुगतान की राशि, भुगतान की जो स्थिति है वो पेड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे नाम दिखेगा, ईमेल आईडी दिखेगा, आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, ये सारा कुछ दिखेगा। और भी इसमें जितना भी आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया था, इंटर मैट्रिक का, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए जितना भी आप सभी लोग का जो है फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट सारा कुछ दिख रहा है, और नीचे में जो आपने पेमेंट किया था दोस्तों ये भी आपका दिखेगा कि कब आप जो है ये किए थे, ठीक है। 147.20 रुपीज कटा था, पेड है यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन आईडी। तो ऐसा अगर आपका है दोस्तों तब आपको बिल्कुल चिंता लेने का जरूरत नहीं है, जाइए आराम से रनिंग कीजिए, फिजिकल का तैयारी कीजिए, ठीक है। 1600 मीटर का रनिंग है, आप लोग को मैं बता ही चुका हूँ फिजिकल के बारे में डिटेल वीडियो में कि क्या क्या फिजिकल में होगा, कैसे होगा, क्या चीज माफ होगा, ठीक है। वीडियो नहीं देखे हैं वो वाला तो जाकर के देख लीजिएगा, आई बटन पे मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का इस वीडियो में यही तक इन्फॉर्मेशन था, अगर कोई भी आएगा बीएसएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन न्यू वाला अपडेट तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, तब तक इसलिए बोलता हूँ कि मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, और जो रेड वाला सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको ठोक करके जा करके उसको ग्रे कर दीजिए, ताकि आपको हमेशा जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो हमारा आज का इस वीडियो में इतना था, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।